का टूटा हुआ है। रात में कुत्ता भी मरा उनके बगल में, ये जा रहे थे और जाकर वहाँ पर पैर में इनको लगा, पैर में लगा, फिर हाथ में लगा, पूरा शरीर तार से लपटा हुआ मिला, कुत्ता भी मर गया और कुत्ता भी वहाँ पर मरा हुआ। स्पॉट देखा जाए, स्पॉट वहाँ पर अभी भी रखा हुआ, अभी पर भी देखा जाए। आज सुबह बरौनी प्रखंड के ठोकरी चक के समीप 47 वर्षीय अमरेश ठाकुर की मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान गढ़हरा कील निवासी अमरेश ठाकुर, पिता रुपेश ठाकुर बताया जा रहा है। जब घर से अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे तो रास्ते में गिरा तार उसके चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये घटना बिजली विभाग के लापरवाही के कारण हुआ है। लगभग 4 दिन से तार गिरा था और इसकी सूचना बिजली विभाग को दी गई थी। घटना स्थल पर मौजूद AISF के नेता इज़माम, तेघड़ा विधायक राम रतन सिंह इत्यादि लोग मौजूद थे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मृत धरा हुआ है और यहाँ परिजन का क्या हाल है, यहाँ पे ना तो कोई बिजली विभाग वाले यहाँ पे आए हैं, ना ही प्रशासन का भी यहाँ कुछ दोष है, जिसके कारण अभी यहाँ लगभग 2 या 3 घंटा से यहाँ पे मृत का धरा हुआ है। आइए हम उनके यहाँ के जो लोग हैं उनसे जानेंगे कि कैसे घटना हुआ, अभी तक क्या मुआवजा नहीं मिला इसको, या क्या घटना समय किस तरह से हुआ था। जैसे कि अभी पहले जो 5 बजे एक आदमी जो इस रोड से जा रहे थे तो करंट के द्वारा उसका मौत हो गया था, और यहाँ के ग्रामीण जो बताया कि उससे कुछ देर पहले यहाँ पे एक वही करंट के कारण कुत्ते का मौत हुआ था। काम करके घर जा रहा था, कुत्ता आगू मरल छे आ पीछे हम काम करके जा रहे बेचारा, करे बीच रोड पर तार था, तार बीच रोड पे था, बीच रोड पर तार था, समाप्त कर उधर दिया गया, पता लगाया गया रात को 10 बजे तार गिरा है। हाँ। और सुबह अभी तक में कितना घंटा हुआ? 10 बजे जो तार गिरा उसका सूचना बिजली विभाग को नहीं दिया, कोई नहीं दिया, जो परिया रास्ता है यहाँ तो लगभग डेली हजारों आदमी आते जाते हैं, लोग परिया रास्ता है, काम करके तब जा रहा थी ना, तो कुत्ता उन्हें काम करके जा रहा था, बीच रोड पर छे बस मर गए, खत्म हो गए। 5 बजे तार गिरा हुआ था, रात को 10 बजे तार गिरा है, उसके बाद अभी 10 सुबह 5:30 बजे में बिजली विभाग वाला आकर के तार इधर घुमाया, बिजली काट किसी ने यहाँ से फेसबुक पे डाल दिया, देखे बोले अपना नियंत्रण जोर का सब फेसबुक क्या बात है, कोई गया नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई जाकर देखाया नहीं, कोई जाकर बोला नहीं, बिजली विभाग वाला भी जाकर के नहीं बोला, उसके घर पे जाकर व्हाट्सएप के द्वारा भेजा गया, विभाग को पता चला और विभाग अभी आए हुए हैं। तो इधर बगल मक्खन फैक्ट्री में काम कर रहे थे, मक्खन फैक्ट्री से ड्यूटी से जा रहे थे सुबह, उसके बाद जो है कि इधर से जा रहे थे, रास्ते में तार गिरा हुआ था बिजली, उसमें साइकिल से छोड़ा रहे थे, हाथ से लग गया वहीं पर, कुत्ता भी मर गया। कितने बजे की घटना है? सुबह 5:30 बजे। क्या करने के लिए आ रहे थे? ड्यूटी से जा रहे थे रिटर्न घर पर। किस चीज़ में ड्यूटी करते हैं? मक्खन फैक्ट्री। कहाँ? सुधा बरौनी गई। तार जो था वो बिजली का था? बिजली का है, 11,000 पावर गिरा हुआ था। कब से गिरा हुआ था ये पता है? और रात को ही गिरा हुआ था, यहाँ का आदमी बोल रहा था, लेकिन वो सुबह में जा रहे थे तब वो ये इनको लगा। जो मरे हैं इनका क्या नाम है? अमरेश ठाकुर। इनका घर? कील, ग्राम कील पोस्ट गढ़हरा जिला बेगूसराय। इनके पिताजी का नाम? इनके पिताजी का नाम बद्री ठाकुर। मैं आपका स्वागत है। जैसे कि अभी ठोकरी चक में एक मजदूर जो अपने घर से सुधा डेयरी काम करने के लिए जा रहा था और अचानक बिजली के कारण उसका डेथ हो गया था, आइए हम यहाँ के जो पिदगा विधानसभा के विधायक श्री राम रतन सिंह है उनसे जानेंगे कि क्या घटना है। अभी यहाँ आने के बाद जानकारी मिली
कि बिजली की तार जो बिल्कुल जर्जर है यहाँ, और बिजली विभाग को कई बार लिख करके देने के बाद भी बिजली विभाग इसको बदलने की कोई कार्रवाई अपने स्तर से नहीं कर रही है। इसी परिस्थिति में आज सवेरे 5 बजे के आसपास बिजली ये डेयरी के एक मजदूर जो तीन निवासी थे वो अपने घर जा रहे थे, उसी सिलसिले में बिजली की तार जो जर्जर था उसके टूटने से उनकी मृत्यु हो गई है, और उसी को लेकर हम लोग रोड पर बैठे हुए और बिजली के कोई जिम्मेवार पदाधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। बार बार मुआवजा के लिए मुआवजा तो देना है 4 लाख, लेकिन मुआवजा कौन देगा? बिजली विभाग को देना है। बिजली विभाग के जो लोग हैं, जेई है, एई है, ये सारे लोग मोबाइल पर बोल रहे हैं कि हम आश्वस्त कर रहे हैं हम 4 लाख देंगे, लेकिन रात का निष्पोजन कराइए, हम तुरंत में वहाँ आने में सक्षम नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ये परिस्थिति है, इसी परिस्थिति में हम लोग यहाँ बैठे हैं। जो बिजली विभाग जो मुआवजा देने के लिए जो बोल रही है, आप इस क्षेत्र के विधायक हैं, इस पे आप भी कुछ कहना चाहेंगे मुआवजा के बारे में? मुआवजा के बारे में हम क्या करना उनको है, हम लोग उसमें प्रयास करके लगेंगे, दलवाएंगे। आपने उनसे बात करने की कोशिश की? उनसे बिजली विभाग से बात किए हैं तब ना बोल रहे हैं, फिर भी आने के लिए तैयार नहीं है वो? नहीं, बोल रहे हैं कि हम दूसरे जगह है, यहाँ उपलब्ध नहीं है। 5 बजे की घटना है, इतना टाइम होने के बाद ही बिजली विभाग के कोई अधिकारी नहीं, यहाँ के कोई BDO नहीं आ रहे हैं, यहाँ के कोई CEO नहीं आए हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हमारे रतन बाबू आए हुए हैं, और बताइए अभी तक लगभग 4 घंटा हो गया, अभी तक न कोई BDO आए, न CEO आए, न SDO आए, जबकि सबको हमारे प्रतिनिधि बात किए हैं, आप आकर के यहाँ लाश को देखो, आ देख करके यहाँ पर जो पोजीशन है, जो स्थिति है देखो, उसको सुधार करो, और सुधार करने के बाद इसको कोई लिखित आश्वासन दो, तब हम लाश को यहाँ से हटाएंगे। लेकिन कोई अधिकारी यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं, और न कोई आ रहे हैं। अब बताइए इतनी लापरवाही प्रशासन द्वारा, इतनी लापरवाही क्यों हो रही है? इस पर आप लोग कार्रवाई, आप लोग मीडिया के अधिकारी हैं, आप लोग इस पर कार्रवाई करके आगे बात बढ़ाइए। तार भी दिखवा दीजिए, और जहाँ तार भी टूटा हुआ है जब देख सकते हैं, अनावश्यक रूप से 3-3 जगह टूटा हुआ है। रात में कुत्ता भी मरा उनके बगल में, ये जा रहे थे और जाकर वहाँ पर पैर में इनको लगा, और पैर में लगा, फिर हाथ में लगा, पूरा शरीर तार से लपटा हुआ मिला, कुत्ता भी मर गया, और कुत्ता भी वहाँ पर मरा हुआ। स्पॉट देखा जाए, स्पॉट वहाँ पर अभी भी रखा हुआ, अभी पर भी देखा जाए। कृपया कर आप मीडिया के अधिकारी हैं, अब बाद में इन लोग के कोई पढ़ा लिखा कोई परिवार है नहीं, बाद में बदल जाएगा जो नहीं हम कुछ हुआ ही नहीं, एक गरीब आदमी है उसी से रोजी रोटी चलता था, वो मर गया है क्या करेगा, छोटा छोटा बच्चा है इनका, छोटा छोटा सब पढ़ते, दूसरा पचवा चौथा इस स्थिति में पढ़ रहा है, क्या करेगा? इसलिए आप लोग मीडिया के अधिकारी आगे बढ़ाइए बात को, आगे बढ़ा करके इनको जो सही मुआवजा है। ये देखिए, ये छोटा बच्चा, इसका छोटा बेटा है, इसको आप देख सकते हैं, ये छोटा बेटा है, ये इतना बच्चा क्या करेगा, समझ अगर पढ़ा रहे, कुछ समझ भी नहीं रही, इसको ये भी पता नहीं कि हमारे पिताजी मर गए हैं। आप कृपया कर, आप मीडिया के अधिकारी हैं, मीडिया है फोर्थ स्तंभ होता है हमारे देश का, आप इसीलिए आप लोग इसको आगे बढ़ा करके आगे कार्रवाई करवाइए, और जो उचित मुआवजा हो सरकार के द्वारा हो, बिजली विभाग के द्वारा हो, दिलवाइए। बरौनी से मिराज आलम की रिपोर्ट। मेरा नाम गणेश सानी, मैं डेयरी के असिस्टेंट टेक्निकल पदाधिकारी हूँ।